आराम से आराम से। दिवस भैया को और शंकी भैया को हमने फैन बना दिया ऋषि भाई का। तेरा नंबर डिलीट है, उसका नंबर ऐड कर रहे हम। व्यू देखो, व्यू चांद भी दिख रहा है, मसूर देहरादून भी दिख रहा है पूरा। सिंगर तो फिर है ही ना। तो आप सभी को नमस्कार, सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। लास्ट लॉ में आपने देखा होगा मैं कैंपिंग करने आ रखा था और मैं कैंप साइट पहुंच चुका हूं अभी। और ये अभी यहाँ पीछे ड्रोन उड़ाया जा रहा है, मेरा नहीं है, योगी भाई का है। सो आप देख सकते हैं इसका शॉट। हाँ, यहाँ पे शॉट तो दिखा देंगे थोड़ी देर में। तो मेरे साथ है अभी योगी भाई, YT व्लॉग्स, हमारे राहत भाई। What's up? क्या हाल चाल? जिनका क्या नाम है? राहुल रावत है। राहुल रावत, ये स्टेज नेम जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो अपने स्टेज नेम में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे राहत है और वैसे राहुल रावत। और यहाँ पे हमारे सिंगर भी है हमारे साथ। नमस्कार सभी को, पहली बार। अरे वाह, मिल रहा हूँ। मैं क्या रख दो भैया, रख दो अभी, रख दो। भाई बोल रहे हैं कि पहली बार मिला, परसों तो मिले थे। परसों भी मिले थे लेकिन पहली बार भाई के साथ में घूमने आए। घूमने आए पहली बार, देखी गजनी मूवी। आप देखो काम कर रहे हैं साथ में तो इसलिए थोड़ा मिलना जरूरी होता है, क्योंकि मेरा इस टाइप का पहला काम है तो इसलिए बिल्कुल मिलना जरूरी था। और हमारे भी सुरेश भाई के साथ पहला काम है तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे योगी भाई का छोटा भाई भी है। मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा, ये तो हमारे कोटद्वार का ही है। और साथ में योगी भाई से पूछते हैं कि लोकेशन क्या है, अभी हम किस लोकेशन में हैं? अभी हम है किमाड़ी रोड पे, किमाड़ी से 2-3 किलोमीटर और आगे हैं। और लोकेशन काफी अच्छी है, अभी आपको भाई ड्रोन शॉट में दिखाएंगे कितनी प्यारी लोकेशन है। और फटाफट से मैं कैंप भी लगा रहे हैं अभी। तो देहरादून में आपने गड़ी कैंट सुना होगा, गड़ी कैंट के पास ही गुच्छू पानी है। तो गड़ी कैंट और गुच्छू पानी के बीच से ये किमाड़ी गाँव के लिए एक रास्ता कटता है, वहीं पे ही ये जगह है। और जहाँ हम टेंट लगाने वाले हैं वहाँ पे धीरज भाई का मेगा पॉइंट है। और सबसे खास बात जो है, ये जो हमारे पीछे हम जहाँ टेंट लगाने वाले हैं, यहाँ से व्यू जो है आगे देहरादून का, ये देखो ये पूरा पूरा देहरादून दिख रहा है आगे से। तो इस व्यू के चक्कर में यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं बहुत सारे लोग। और ये सामने ड्रोन आ जा 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 जा। अभी ड्रोन से हम हाइपरलैप्स ले रहे थे और कंपटीशन चल रहा था कि जब तक हाइपरलैप्स कंप्लीट होता है तब तक कौन पहले टेंट लगा देता है। तो मेरे साथ वैसे 3 लोग थे तो हमने फटाफट लगा दिया और वो टेंट देखो अभी भी लग रहा है। मैं एक्चुअली ड्रोन को ज्यादा ध्यान में रख, सही बात है, जब ड्रोन उड़ रहा होता है ना और बैटरी उसकी 30% हो तो फिर जरा थोड़ा धकधक वाले टेंट के अंदर सोफा भी है तो टाइम लग गया थोड़ा सा। सोफा और साथ साथ देखो हमारी मैगी भी आ गई और मैक्रोनी भी आ गई। बहुत छोटा टेंट है, देना जरा कितना कितना पतला सा स्लिम। तीन कहाँ से आ जाएंगे भाई? अरे तीन आ जाएंगे। तीन तो मेरे उसमें तो फिर उस 6 आ जाएंगे। जब तुम्हारे उसमें 3 आ रहे तो एक्चुअली हम बहुत पतले हैं। हाँ। ये मोटे भाई साहब आपके साथ और पतले हम एक टाइम में आ जाएंगे। छोटा बच्चा भी हमारे साथ एक। हाँ ये भी है। भाई हमारे सिंगर भाई कितने मेहनती हैं, लकड़ी ला रहे हैं हमारे लिए। हम तो यहाँ अपनी मैक्रोनी और मैगी एंजॉय कर रहे हैं। भाई भाई तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर काम करूंगा। ऐसे मेहनती लोग चाहिए थे। वो देखो वहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं मिल रहा। कृष्णा भी ले आया, यहाँ पे 2 भैया मिले हमें, उनको ड्रोन इतना पसंद आया, वो बोल रहे हमारा भी शॉट लो, एक एक्शन कर लो कोई भी सिद्धू मूसेवाला वाला। निरे गावा सॉरी मेरा स्केल चेंज हो गया। एक बार थोड़ा वो कर देना जरा, ऊपर वाला नोट गाना, एक बार ऊपर वाला, ऊपर वाला सीधे आसमान में पहुंचाना है। 11th फ्लोर वाला, 11th फ्लोर का। सॉरी गाइस मेरा फोन आ रहा है। ओहो, मतलब संगीत से ऊपर भी कोई है इनके? अब आया ऊपर वाला, जितने शक्ल से बुरे लगते ना उतने है नहीं। अभी सारी चीजें सेट कर दिया हमने, ये देखो मैंने गद्दा भी लगा दिया अपना फुला के। और आगे जो व्यू है सच में इतना प्यारा है। और कल सुबह जैसी होगी ना मैं आपको एक बार पूरा रास्ता दिखाऊंगा, पूरा रूट मैं बताऊंगा यहाँ कैसे आना है। बहुत ही अच्छी जगह है, दिखा देता हूँ आपको। देखो आगे फ्रंट व्यू ये देख सकते हो आप, आगे पूरा का पूरा देहरादून। और बिल्कुल यहीं बैठ के मतलब आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो जो नेचर लवर है ना उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शानदार। और यहीं पे ही मैंने देखो चेयर भी लगा दी अपनी, तो सारा का सारा जिसको बैठना है बैठ के व्यू देखना है वो बैठ के देखे। और अभी यहाँ पे सब घर में कॉल कर रहे हैं, घर में बातें कर रहे हैं, घर पे बता रहे हैं कि देखो ऐसा व्यू है आगे। भाई देखो ऐसे मैं लेटा हुआ हूँ और लेटे लेटे देखो कितना प्यारा लग रहा है।
अल्टीमेट व्यू, चमक रहा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सोने की परत चढ़ी होगी पूरे देहरादून में, और ऊपर तारे भी आज बहुत अच्छे आ रखे हैं। इकन कही सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा आईना सुभान अल्लाह, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन, ओ सनम तेरे प्यार की कसम। भाई जी बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बने रहो हमारे साथ। अब भाई 20 साल का है सिर यार, मेरे को अभी पता चला कुछ देर पहले, और इतना बढ़िया खतरनाक मजा आ गया भाई। क्या क्या लास्ट वाले गाने ने मजा दिया, वेरी गुड। एक बात रहो भाई ने बीच में करके कुछ ज़ूम करके किया, मजा आ गया था सुन के, स्लाइड किया ना। हाँ स्लाइड मुझे पाना है खुद को, ये गूज़बम्स टाइप का था यार, ये जब दूसरी बार सुना मुझे अजीब सा हुआ यार सुन के। बर्बाद करे अल्फाज मेरे, मुझे ऐसी गाने में मजा आता है जैसे कोई बढ़िया गा रहा है उसके पीछे पीछे गाते रहो और फील लेते रहो, ऐसा लगता है मेरे भी सुर अच्छे निकल रहे हैं ऑटोमेटिक। हाँ तो ऐसे जो माहौल बना रहता है ना उसमें ऐसे गाने में बहुत मजा आता है। बॉयज आर हेयर, अरे शॉर्ट हेयर्स, क्या बात, गजनी लुक, अगली लुक। ये देखो भाई का, देख रहे हो क्या कर रहे, खाना बनाना पड़ रहा है, ऐसे हैंडसम मैगी पॉइंट वाले भैया देखे हैं कभी? तभी हमें भैया लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे लग रहा था कि ये गोली दे देंगे पर थैंकफुली नहीं दी। अभी अभी भाई लोगों का भी टेंट लगेगा जो हमारे साथ नए ज्वाइन है, तो उनके इधर ये पत्थर वत्थर साफ कर रहे हैं। ठीक से आ चला, ठीक से हाँ बिल्कुल। ये एक और टेंट बन चुका है यहाँ पे शंकी भाई और देश भाई का, क्या बात है, मुझे लग रहा था अकेले लगा लेंगे पर इन्हें एक आदमी की जरूरत पड़ी। गलत बात है भैया, आपको अकेले लगाना चाहिए था पता है क्यों? तभी तो आप वो बनोगे एक ट्रैवलर हाइकर। जो कौन सा बेंचमार्क है? अननेसेसरी बेंचमार्क। नैनो के दिए जलवे भैया, व्यू देखो, व्यू चांद भी दिख रहा है, मसू देहरादून भी दिख रहा है पूरा, सिंगर तो फिर है ही ना। आहा अब जाओ छूट जाए जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरे सजदा रिद रहन रहूं ना ही चैन रहूं तेरा सजदा। अब यहाँ पे एक और हमारे भाई ऐड हो चुके हैं और उनका एक और अटेंड आ चुका है, अभी थोड़ी देर में लगाएंगे हम लोग खाना खा के, ठीक है भाई? ठीक है ठीक है। और वहाँ देखो योगी भाई की लाइट, और यहाँ पे लग रही है आग। शंकी भैया आपके पीछे इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, उसके दिमाग की बत्ती चल चुकी है। बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है आपके पीछे। सबसे आगे दिवस में बैठे हुए, पता नहीं क्यों जबकि ठंड हो भी नहीं रही है इतनी। ऋषि भाई बहुत मजा आ रहा है, लाजवाब। दिवस भैया को और शंकी भैया को हमने फैन बना दिया ऋषि भाई का, तेरा नंबर डिलीट है, उसका नंबर ऐड कर रहे हम। कर दो भाई कर दो, क्या व्यू आ रहा है, ऋषि भाई गा रहे हैं और आगे देहरादून का व्यू आ रहा है, फैन हो गए हम तो। दिल कर आए कोई ये बताए क्या होगा, दिल कर आए हाय कोई ये बताए क्या होगा, पीरा पीरा शाम सवाल है जीना फिलहाल है, दोषियों से ही जाने क्यों, इलाही मेरा जी, अरे अरे इलाही मेरा जी, आए आए।
वाओ। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आधे लड़के उठ चुके हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देख रहे होंगे आप। भैया लोग तो एकदम उठ गए, टेंट भी उन्होंने बांध लिया अपना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहिए, तो इसलिए मैं भी हिम्मत करके सोच रहा हूँ टेंट अपना पैक कर ही लूं। अरे उठ गए भाई लड़के, मुझे लगा तुम अभी तुम्हारी चू चा कू का की कुछ नहीं निकल रही भाई। तो क्या चिल्लाएंगे, रात में उठ गए थे। कितने उठे तुम? उठ गए थे हम 5 कुछ हो रहा था उस टाइम पे, नींद अच्छी आई ना भाई। रात भाई मेरे गद्दे पे सोए कैसा लगा है ना, प्रीमियम फील है। बाकी लोगों को उतना मजा नहीं आया होगा। और अभी थोड़ा देखो देहरादून नहीं दिख रहा है, बहुत कोहरा रखा है। आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आते पीछे पीछे। ठीक है सुयश, कैसी रही फिर? बढ़िया भाई, मान गया यार तुम लोग इतने से टेंट में आ गए, दो लोग यार, तीन लोग सॉरी, और हम दोनों इसमें थे इतने बड़े वाले में। पहले लगा था होगा कि जगह नहीं होगी उसमें, जगह तो हो गई थी आराम से। हां तो सारा का सारा सामान समेट लिया हमने, अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पहुँचने का रास्ता, जिस चीज़ के लिए आप बहुत देर से वेट करोगे कि इसने सीधा यहीं का दिखाया, हमें अपनी जर्नी नहीं दिखाई। तो सबसे पहले जैसे आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये बहुत पहले यहाँ पे ट्रॉली हुआ करती थी, यहाँ से नीचे सामान जाया करता था, तो इसलिए ये ट्रॉली वाली जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहा भी है, देखो ये। तो अब यहाँ से ऊपर चढ़ के वहां तक जाना है, फिर वहां से नीचे उतरना है। तो अब दिखाता हूँ मैं, ये पकड़ लो जरा। चलो, और फिर यहाँ से एकदम संक्रिय रास्ता, पैर स्लिप हुआ था नीचे, और वहाँ जो हमारी साइड थी वहाँ से भी दिखाता हूँ, रुक वहाँ। अगर यहाँ एच से स्लिप हुआ तो सीधा नीचे, तो बहुत ही मुस्तैदी से रहना है। तीनों आँखें खुली रखनी है आपको, तीनों के तीनों, एक भी बंद नहीं होनी चाहिए। और फिर यहाँ से हमें नीचे उतरना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये जगह काफी ज्यादा अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए थोड़ा रास्ता भी खराब है। हजारों की संख्या में लोग मसूरी जाते हैं यहाँ से, कि मड़े वाले रोड से, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग रुकते हैं। जो देहरादून के कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको पता होगा वही रुकते हैं। जहाँ से मैं नीचे उतरा वहाँ से लगभग 30 मीटर आगे आके ये मेगा पॉइंट आ जाएगा, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये देखो, और यहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये मेरी गाड़ी। और इस मेगा पॉइंट का नाम है द हिल टॉप मेगा पॉइंट, और ऐसा दिखता ही है। और यहीं से ही थोड़ा सा आगे जाके, मतलब मसूर की तरफ जाते हुए, यहीं पे ही किमाड़ी वाटरफॉल भी दिखता है। देहरादून से किमाड़ी गांव है 15 किलोमीटर, फिर किमाड़ी गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर और आगे ये मेगा पॉइंट पड़ेगा आपको, द हिल टॉप मेगा पॉइंट। जैसी बारिश तेज हुई भाई लोग निकल गए। ओके बाय 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 बाय। बारिश हो गई अब काफी तेज, सही टाइम पे हमने अपना सामान समेट लिया, वरना लस करते तो पूरे टेंट के अंदर ही रह जाते। रखवाओ रखवाओ, हिली फूड्स के प्रोडक्ट रखवाओ। दो बक्से आ गए हैं डिक्की में, गाड़ी भगाइयो मत, देख क्या करोगे, सस्पेंशन लगेगा गड्ढे में, मतलब आराम से। चलो ठीक है, पेट कैसा हो रहा है हमारे हमारे मतलब पेट। कौन सी वाली ये? सब पता है उसे, ले लो। और कोई लेनी है तो ले लो, श्रेया तेको। चलो फिर आओ। तो पहले शंकी भाई के घर से मैंने कुछ पेटी उठाई, फिर मैं अपनी मौसी के यहाँ पे गया, मौसी के बच्चों से भी मिला, फिर मैं दोबारा योगी भाई के घर आया, यहाँ पे मैंने ब्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, और थोड़ी देर आराम भी किया, और अब निकल रहा हूँ वापस कोटद्वार। और नहाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो फटाफट घर जाऊँगा नहाऊँगा। अगर आपको कैंपिंग वाली जगह के बारे में कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर मैं कमेंट में रिप्लाई ना कर सकूं तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मेरा इंस्टा हैंडल है @sueshaswal, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जो भी आपको जानना होगा। अगर आपको आजकल व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए इस चैनल में तो नीचे लाल बटन दे सब्सक्राइब कर उसे दबा देना, और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर व्लॉग बन भी अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप में और फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ अभी इस व्लॉग को एपिसोड करते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।